नमस्कार सैकाल सलाम एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पुक्कल ब्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ आपके सामने। तो आपने टाइटल पढ़ लिया है, बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल यम्मी सब्जी बनाने जा रहे हैं हम, पनीर की, मटर पनीर बहुत ही टेस्टी होने वाली है। अब मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी बनाते हैं, जल्दी खाते हैं। उसके बाद आप किसो ना किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो, चावल, रोटी, नान, मतलब किसी के साथ भी। सो वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसी बनी। हमने अपनी कढ़ाई और इसमें डाल लिया है तेल, इसको हम गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं तेल हो चुका है गर्म। तो हम इसमें अपने कटे हुए पनीर के क्यूब्स डालेंगे, इससे ये होगा, ये ना बहुत ही टेस्टी हो जाएंगे इसको फ्राई होने के बाद, क्रिस्पी क्रिस्पी। हम लोग कंटे में चलाते रहेंगे ताकि ये लग ना जाए, नहीं तो नीचे चिपक जाएंगे। पनीर के अंदर पानी होता है, उसके कारण ये बबल्स बन रहे हैं। गोल्डन पानी होने लग चुके हैं, क्योंकि गोल्डन होने लग गए हैं, लेकिन इसलिए कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, ऐसा जलने का डर रहेगा। ये गोल्डन फ्राई हमारे पनीर जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको भी निकालेंगे हम अपनी एक प्लेट में, अच्छे से तेल को छान लेंगे। बिल्कुल क्रंची हो चुके हैं बिल्कुल। ओहो, मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा है, अभी से खुशबू आ रही है पनीर की फ्राई होने की, बहुत ही यम्मी लग रही है देखने में। तो अब इसी तेल में, तेल गर्म है तो अब इसमें हम डालेंगे अपना जीरा और सूखी लाल मिर्ची। ये गया इसके अंदर जीरा, ये है मेथी और अजवाइन, अब डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्ची। और इसमें तेल पहले से गर्म था तो इसे कारण ये जलने का वो डर रहेगा, तो साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें जल्दी से प्याज और कटी हरी मिर्च। अब इन्हें भी गोल्डन फ्राई होने तक रख दिया गैस पे उबलने के लिए, ये जल्दी से, ताकि हमारी सब्जी ना जल्दी बन सके, इसलिए हमने साइड में अपना तड़का और यहाँ पे हमने रखी अपनी मटर। तो ये बॉईल हो जाएगी और फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो अभी इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, क्योंकि सब्जी हमने कम ही ली है तो इसलिए आधा चम्मच, और आधी चम्मच हल्दी, और ये है धनिया पाउडर। ऐसे करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी। इसमें हम डालेंगे अपना टमाटर, ये वाला पेस्ट दिखाते हैं, ये वाला पेस्ट हमने पहले से तैयार कर रखा था, इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक, ये हमने इसमें डाल दिया है दो चम्मच, इसे करेंगे अच्छे से, और इसमें डालेंगे और थोड़ा पानी ताकि मसाले हैं जो वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। टमाटर का पेस्ट चाहिए अच्छे से पक जाए। और डालेंगे हम इसमें अपना थोड़ा सा सोया सॉस और ओरिगैनो। ओरिगैनो ये हमारा खुद का टच है एक्चुअली में, ओरिगैनो ना एक फास्ट फूड का या पिज्ज़ा टाइप फ्लेवर दे देता है इसके अंदर, क्योंकि ओरिगैनो का नाम सुनते ही पहले मन में आता है पिज्ज़ा, तो एक बहुत ही टेस्टी फ्लेवर देता है सब्जी को। और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, और मटर हमारे अच्छे से उबल चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये रे मटर और पनीर, अब इसको एक साथ ऐड कर देंगे अपनी सब्जी में, अच्छे से करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें डालेंगे हम एक ग्लास पानी, और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मटर को और पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया था और मटर को उबाल लिया था, उससे दो तीन रीज़न है उसके, उससे होगा क्या, जो ये ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसको ना ज़्यादा पानी नहीं लगेगा इसमें। सेकंड चीज़, इसमें दोनों चीज़ ऑलरेडी पक चुके हैं तो इसमें पकने में भी टाइम कम लगेगा। सो ये इकलौता रीज़न था, हमने इसको पहले उबाल लिया था मटर को और पनीर को कर लिया था फ्राई। अब देख सकते हैं इसको हम छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये पनीर जो क्रिस्पी हो चुका था वो हल्का सा जूसी हो जाए और जो सारे मसाले थे वो इसके अंदर चले जाएँ। एक फ़ायदा और रहेगा इसके कारण क्या होगा ना, हमें जितनी ग्रेवी रखनी है, हमें गाढ़ी बनानी है या मतलब थोड़ा पानीदार बनानी है,
तो उसके हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ पक चुकी हैं, बस हमें सिर्फ ग्रेवी के लिए पानी डालना है इसमें। तो पनीर एकदम क्रिस्पी था, तो अब वो जूसी हो जाएगा थोड़ी देर में और सॉफ्ट हो जाएगा एकदम स्पंजी। अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। ये तैयार। क्या खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही औसम लग रही है। और ग्रेवी भी इसकी ठीक हो चुकी है और बिल्कुल जूसी हो चुका है पनीर। इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है यार, अब रुका नहीं जा रहा, बस अब मैं तो खा रहा हूँ इसको। ये सब्जी हो चुकी है हमारी तैयार, बहुत ही टेस्टी लग रही है दिखने में ही, और क्या खुशबू आ रही है इसकी। हाँ, मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी बनी है। वैसे तो बहुत टेस्टी बनी है, मुझे पता है खुद ही। मैं जो चीज़ कह रहा था ना आपको, पनीर फ्राई करके फिर हमने जो पानी में छोड़ा था पकने के लिए, उसका फ़ायदा ये है। इतना ज़्यादा जूसी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और मुँह में ऐसा पानी आ रहा है, रुक नहीं रहा, मैं तो खा रहा हूँ इसको जल्दी से। थोड़ा सा गर्म है, पहले फूंक मार लेते हैं। बोला जा रहा, बहुत ही टेस्टी बना यार, बहुत ही टेस्टी बना, एकदम जूसी पनीर था। मटर बिल्कुल पक्का परफेक्ट कुक हो चुकी थी, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी थी। तो इसको और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना ये कैसी बनी थी। बाय बाय, टेक केयर, साइन ऑफ, जय हिंद।